नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्निहोत्री। हमने लास्ट प्रीवियस दो लेक्चर के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और आज हम उसी के अंदर होमोजीनियस फंक्शन और उस पर बेस्ड थ्योरम यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, कोई फंक्शन है मेरे पास और इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। यदि इस फंक्शन की हर टर्म के अंदर जो डिग्री है वो क्या रहे, सेम रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एन लगा दिया, प्लस साइन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई ले लिया, प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर कर लिया, प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और क्या ले लिया अपन ने यहाँ पर, वाई क्यूब ले लिया। और इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कब तक, प्लस ए एन वाई रेस टू पावर एन तक। तो ये एक तरह का क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर टर्म में डिग्री एन आ रही है, इसकी डिग्री भी एन हो गई क्योंकि एन माइनस वन यहाँ पर और वन यहाँ पर है, तो वन से वन कट जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ भी डिग्री एन हो गई, एन माइनस टू है और वाई स्क्वायर है, टू से टू कट जाएगा तो एन डिग्री। तो हर टर्म की डिग्री कितनी आ रही है, एन आ रही है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अगर हम यह करें, यहाँ से एक्स रेस टू पावर एन कॉमन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, ये ए नॉट प्लस ए एन वाई अपॉन एक्स प्लस ए टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से इसको आप चलते रहोगे तो कंटिन्यू करेंगे अपन, तो यहाँ आएगा ए एन वाई अपॉन एक्स की पावर एन। ठीक है, इसको हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, एक्स एक्स टू पावर एन लिख दिया और इस पूरे को मैंने एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्लियर है, चाहें तो उसको एफ नहीं देते अपन, इसको यहाँ पर फाई दे देते हैं क्योंकि एफ तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं एक बार, तो इस पूरे अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, फाई वाई ऑफ एक्स। क्लियर है, तो क्या बन गया, ये एन डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ, इजी है यहाँ तक, कोई मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो, इस पर बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ, उस थ्योरम का नाम है यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। एग्ज़ाम में ये कई बार पूछ ली जाती है प्रूफ करने के लिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, तो जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके जितने भी नोट्स हैं जो यहाँ लिखवाता हूँ मैं, ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे हार्ड कॉपी के अंदर, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका जो आयलर या यूलर्स थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है इफ एफ ऑफ एक्स वाई बी होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन ऑफ डिग्री एन एंड पॉसेस एंड पॉसेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव
कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव देन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू एन एफ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो होती है ये कहलाती है मेरे पास आयलर थ्योरम। ये कह रहा है कि कोई भी एफ है जो एक होमोजीनियस फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, ठीक है, और डिग्री कितनी है उसकी एन है, और साथ में क्या करता है वो अपना पार्शियल डेरिवेटिव रखता है, तब एक्स डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ होगा। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को अपन एक बार। चलिए इसको प्रूफ करते हैं अपन। और देखो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एक फंक्शन अज्यूम कर लेंगे अपन। तो देखो इसको प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ तो हम मान लेते हैं लेट एफ कोई फंक्शन है जो कितना कैसा है, होमोजीनियस है और एन डिग्री का है। तो एफ एन मान लिया अपन ने, फाई ऑफ यहाँ ले लिया वाई अपॉन एक्स, ये हमने एक अज्यूम कर लिया कोई फंक्शन है जो होमोजीनियस और एन डिग्री का है। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एफ का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो जरा करो इसका एक बार, यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, एक्स की पावर एन को छोड़ दिया, पहले इसका किया फाई डैश वाई बाई अपॉन एक्स डॉट, अंदर करेंगे तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, करेंगे एक्स का तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। कैसा आएगा ये, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक बार हमने इसका कर दिया प्लस साइन, अब इसको हम छोड़ देंगे तो फाई वाई अपॉन एक्स को मैंने छोड़ दिया, और इसका करूँगा तो एन एक्स एन माइनस वन हो गया, इसको नंबर देता हूँ मैं टू। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसी एफ का कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जब वाई में करूँगा तो एक्स एस टू पावर एन कॉन्स्टेंट है, फाई डैश हो जाएगा इसका वाई अपॉन एक्स, और हम अंदर करेंगे तो वाई का वन हो जाएगा तो वन अपॉन एक्स, इसको नंबर दे देंगे अपन तीन। क्लियर है? अब क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टू को तो इंटू करेंगे एक्स से, और प्लस थ्री को इंटू करेंगे अपन किस से, वाई से, और दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। तो देखो जरा करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू। अब देखो आपने क्या किया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया है, जैसे इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक कट जाएगा इसमें से, यहाँ इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वन हट जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ मेरे पास आएगा एक्स एस टू पावर एन फाई डैश वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे आएगा मेरे पास वाई अपॉन एक्स, और माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया। क्लियर है? प्लस साइन, फिर हम करेंगे फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे जाएगा एन एक्स एस टू पावर एन। अब प्लस साइन, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स एस टू पावर एन फाई डैश वाई अपॉन एक्स डॉट वाई अपॉन एक्स। अब आप देख रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, इसको हम दोनों कट कर देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी, एन एक्स एन फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। और देखो ये आपने देखा था कि ये वैल्यू किसके बराबर थी, पूरी पूरी एफ के बराबर है, तो ये एफ आ गया, इसका मतलब एक्स डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास बराबर हो गया जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। तो सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ही इजी है। अब देखो हम एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर बाकी के जो एग्जांपल्स होंगे और जो क्वेश्चंस होंगी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पर बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं होते। चलिए देखिए जरा,
और एग्ज़ाम्पल ये कन्फर्म है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा ही आते हैं लगभग, तो यू इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन यहाँ पे साइन इनवर्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करेंगे अपन, टू प्रूव हम प्रूव करेंगे यहाँ पे एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू टेन यू। अब देखो यहाँ पर हम इसको जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे यू का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ, फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करूँ, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, वाई से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों को ऐड करूँ और फिर ये लेके आऊँ, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका यूलर थ्योरम है इसका यूज़ करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम होता है आप यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री कैसे निकालेंगे अपन, हम इस साइन को उधर ले आएंगे, ठीक है। तो जैसे आप साइन को उधर लाओगे तो ये बन जाएगा साइन यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको हम एक काम करते हैं, इसे हम जेड मान लेते हैं। तो इस जेड जो फंक्शन माना है अपन ने, इसकी अगर डिग्री निकालूँ तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर है अपॉन में यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया, एक्स से एक्स कट जाएगा एक, तो मेरे पास यहाँ हम देख रहे हैं क्या रह गया, एक्स आ गया एक, तो और इस पूरे को मैंने मान लिया फाई वाई ऑफ एक्स। तो इस जो जेड मैंने माना है जो किसके बराबर है, साइन यू के बराबर है, इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, वन हो गई, वन आ रहा है यहाँ पे, तो डिग्री क्या हो गई, वन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू आयलर जो आपकी यूलर थ्योरम है उसे क्या हो जाएगा, एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, एन तो वन है ही और यहाँ पे जेड हो जाएगा। लेकिन देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में तो यहाँ पर आप देख रहे हो यू लाना था, तो क्या करना होगा, आपने जेड क्या माना था, हमने जेड माना है यहाँ पर साइन यू, ठीक है। आपने क्या किया, इस जेड का एक बार कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और एक बार कर देंगे इस जेड का हम वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा ये कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हमें क्या करनी है, जेड की जो वैल्यूज आ रही है उन्हें हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे अपन। तो देखो क्या आ रहा है, आपने एक्स का क्या रखा यहाँ पर, एक्स सजीज रहेगा, आपको जो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स है ये बन जाएगा कॉस यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई में क्या जाएगा आपका यहाँ पर वाई सजीज रहेगा, और ये जाएगा आपका कॉस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू एन तो वन है ही और जेड कितना है आपका साइन यू, क्लियर है। कॉस यहाँ से कॉमन निकालेंगे और इसके अपॉन में ले जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या जाएगा रिजल्ट, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू टेन यू। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, थ्योरम कंप्लीट हो गई। देखो इस तरह से थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म है, बहुत इजी है और आता भी है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी का जो भी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप सारे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी और एग्जाम्पल्स करेंगे और टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।